नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल में आपको एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में आपको गिवन है EDC सिमिलर टू EBA, EDC सिमिलर टू EBA, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है नंबर वन। दूसरा आपको गिवन है BEC जो एंगल, एंगल BEC, BEC 115 डिग्री है। फाइंड आपको करना है, एक एक करके लेते हैं। नंबर वन एंगल डी सी ई फाइंड करना है, डी सी ई, ये अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले ये फाइंड कर लें लीनियर पेयर से। ओके पैरेलल नहीं गिवन, ऐसा कुछ भी नहीं गिवन, नो। ठीक है, आपको डी सी ई अगर फाइंड करना है तो उसके लिए पहले क्या फाइंड कर लें, डी ई 65, तो जब ये एंगल आ जाएगा 65 डिग्री, तो फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी ना ट्राइंगल 180 से ये आ जाएगा, तो कितना आएगा एंगल बी सी ई, कितना आ जाएगा 70 प्लस 65, कितना हो जाएगा ये 45, 135, 180 में से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 40। अब तो डी सी कितना आ गया, ये नंबर वन। नंबर टू पार्ट सुनिए क्या लगा रहा था, ई ए बी भी चाहिए उन्हें, एंगल ई ए E, A, B, अगर उन्हें चाहिए तो किससे निकालेंगे, ट्रायंगल सिमिलर था ED से किसके, EB A के, तो ये वाला जो एंगल है A किसके इक्वल होगा, सिर्फ एंगल C के, मतलब कितना होगा ये 45। नंबर थर्ड भी चाहिए उन्हें, ए बी भी चाहिए, एंगल ए बी बी, एक और तरीके से निकाल सकते थे कि ई वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, तो दिस इज 65, तो दिस इज अगेन 65, ओके, दिस विल बी 65, ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ई बी ए भी चाहिए उन्हें, एंगल ई बी ए, ध्यान से देखिए, डी के इक्वल है, एंगल भी डी के इक्वल है, यस 70 डिग्री, इस तरीके से स्कोर करें, कोई डाउट है इसमें, उसके बाद किसी में एक और क्वेश्चन देख लीजिए। आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर पॉज, चलिए फिगर बना लेता हूँ क्या दिया हुआ है, ये ऐसा एक फिगर है आपके पास, ओके, पी ओ एस आर क्यू गिवन, सुनिए आपको क्या है, आपको गिवन है ट्राइंगल POS is similar to triangle ROQ. Okay, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट PS is parallel to QR. PS किसके पैरेलल है, QR. अगर PS QR के पैरेलल है का मतलब क्या, किसके इक्वल दिखा दें, बताइए, this is equals to this दिखा दें, alternate, और this is equals to, तो नाम रख लीजिए इसका angle 1, 2, angle 3, angle 4, okay? ये दोनों तो पक्का equal होंगे, vertically opposite से, तो angle 5 is equals to angle 6, लेकिन आपको दोनों triangles similar के देने हैं, इसलिए corresponding angles कैसे होंगे, मतलब पी ओ एस का पी आर के इक्वल, तो थ्री किसके इक्वल हो गया 4 के, और 1 किसके इक्वल हो गया 2 के,
और वर्टिकल अपोजिट से ये दोनों सेम है और उससे हमको मतलब ये बस 1 2 के इक्वल 3 4 के इक्वल व्हिच आर फॉर्मिंग अल्टरनेट पेयर सो दे आर पैरेलल देयरफॉर PS इज पैरेलल टू RQ प्रूफ ओके करो